बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। तभी तो हदीस में आता है कि जिस वक्त एक काला हबशी गुलाम वो इस बैतुल्ला को ढा देगा, इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसकी ईंट से ईंट बजा देगा, उसको सफा हस्ती से मिटा देगा, तो उसका जो मरकज है, आपकी इस नमाज का जो मरकज था, वो नमाज का मरकज उसके जब दुनिया में मिटा दिया है, तो आपकी नमाजें खत्म हो गई। कि अब ये वो वक्त आ जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला को अब तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं, अब अल्लाह के सामने सजदे करते भी रहोगे, सजदों का मकाम ही अल्लाह तबारक व तआला उठा लिया। क्यों? इसलिए कि हिस्सी और मानवी तौर पर, मादी तौर पर जब यह बैतुल्ला ढह जाएगा, तो वह तजल्ली जो अल्लाह तबारक व तआला की जात की जगह पर पड़ रही है, अल्लाह तजल्ली को भी वापस ले जाएंगे। और ये वो वक्त होगा कि जिसके बारे में हदीस में फरमाया कि ला तकुमु सातु हत्ता युकाल फिल अर्ज़ अल्लाह अल्लाह, कि रूए जमीन पर क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा। तो अगर नमाजी हो रही है, अल्लाह अल्लाह हो रहा है, याद रखो उस वक्त के आने से पहले और आज क़ुर्ब क़यामत है, ये कुर्बे क़यामत के हवाले हैं। इसलिए उस वक्त के आने से पहले कि बैतुल्ला हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उठा लें और यहां से अपनी जात और सिफात की तजल्ली उठा लें और हम सजदा करने के काबिल ना रहें, इससे बेहतर यह कि आज सजदे करने का वक्त है। आज ये कोरोना वायरस ने हमारे लिए तो रहमत बन के आ गई है, लिहाजा हम घरों में बैठ के, अपने घरों में बैठ के, जिन घरों की वजह से ना दुकान में दिल लगता था, ना दफ्तर में दिल लगता था, ना हज में दिल लगता था, ना रोजे में दिल लगता था, ना ज़कातों में दिल लगता था, ना अल्लाह की मस्जिद में दिल लगता था, इस घर की वजह से, इस घर के आराम की वजह से, इस घर के रौनक की वजह से अल्लाह ने आज घरों में बिठा दिया है। इस घर में खुदा को याद करके खुदा से राबता बनाने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं। ज़ाहिर ये हालात ख़त्म हो जाएंगे, ये कोरोना वायरस भी ख़त्म हो जाएगा, जिंदगी के अंदर ये आफतें आती हैं, लेकिन यह मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। इससे घरों के अंदर अपनी नमाजें, पूरी पूरी नमाजें पढ़ो, पूरी पूरी रकातें पढ़ो, फजर की 4 रकात पूरी पढ़ो, जोर की पूरी 12 रकात पढ़ो, असर की पूरी 8 रकात पढ़ो, मगरिब की पूरी 7 रकात पढ़ो, ईशा की पूरी 17 रकात पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, अवाबीन पढ़ो, इशराक पढ़ो। इसलिए कि हर वक्त घर के अंदर सिवाय इसके दौवत की रोटी खा के कमर सीधी करके खुदा को याद करने के अलावा काम क्या है। इससे इस वक्त को ज़ाया ना करो, इस वक्त इस बात में ज़ाया ना करो दुनिया में क्या हो रहा है, क्या खबर है, अब सुनो उसका क्या बना, इसका क्या बना, ओह इतने मर गए, इतने जी गए। आप मरने वाले जो शहदा मुसलमान, उनके लिए दुआ कर दो, उनके वास्ते के लिए दुआ कर दो, पूरी इंसानियत के लिए दुआ कर लो, लेकिन इस मौके को ज़ाया ना करो। नमाज के साथ ताल्लुक़ कायम कर लो, अगर आपको नमाज पढ़नी आ गई तो समझो अल्लाह तबारक व ताला आपको मिल गया।